हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग मैं और पापा आए हैं दिल्ली के इस सड़क में इलाकों में जाने से घबराते हैं लोग, डर से निकल जाती है चीख। रास्ते हमें एक रास्ते से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए होते हैं। इन रास्तों में कुछ तो ऐसे होते हैं जिन पर जाने से आप मंजिल से भटक जाते हैं और पता ही नहीं चलता आप कहाँ जा रहे हैं। दिल्ली का टोर्नामेंट रोड ऐसी ही एक जगह है। यहाँ जितनी भूतिया घटनाएं होती है उतनी किसी दूसरे सड़क पर नहीं होती है। आज हम उसी रोड पे हैं। अगर आप भी इस रास्ते से गुजरने की सोच रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लें। पर कंटोनमेंट रोड दिल्ली की सबसे भूतिया मानी जाती है और लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ पर एक औरत सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है। लोगों का ये मानना है कि शायद इस औरत की किसी दुर्घटना में मौत हो गई होगी, तभी से उसकी आत्मा इसी इलाके में लोगों से मदद की गुहार लगा रही है। जो रात में यहाँ से गुजरने वाले मोटर साइकिल और कार सवारों से लिफ्ट मांगती है, कहते हैं जिन लोगों ने इस महिला को लिफ्ट दी है आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। अगर कोई व्यक्ति उसके लिफ्ट मांगने पर नहीं सकता है तो भूतनी को गुस्सा आ जाता है और वह गाड़ी की सफ्तार के साथ भागते हुए उस व्यक्ति का पीछा करती है और उसे गिरा देती है। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब इस सड़क पर कुछ अजीब ना हुआ हो, क्योंकि मुझे डर नहीं, मेरे साथ बजरंग बली है, इसलिए मैं उस रोड से गुजर रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि वो औरत दार का सेक्टर नौ के आसपास भी भटकती हुई नजर आती है। भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं और यहाँ नहीं कि इस बात की पुष्टि करना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन भूत का नाम सुनते ही अच्छे से अच्छे लोगों के मन में डर की लहर जरूर दौड़ जाती है। हेलो गाइस, आज हम इस सड़क पे पहुंच गए हैं और आवते तो बहुत हैं। ये मेरा लड़का आपको इस बारे में बता रहा था, सही से नहीं बता पाया, जवान थोड़ी लड़का आ गई और थोड़ा खाता भी है,
ये कंटोनमेंट रोड है, इस रोड को द्वारका में लोग हैं। आज हम और इसी रास्ते से हम रात में ठंड में निकल रहे थे, तो लड़के ने सोचा पापा एक वीडियो बनाते हैं, अगर वो औरत मिल जाएगी तो देखेंगे। वो औरत तो नहीं मिली क्योंकि मुझे अपने प्रभु पे बहुत ज़्यादा विश्वास है और हम सभी भगवान बजरंग बली को बहुत ज़्यादा मानते हैं। हम डरे नहीं और आगे बढ़ते रहे, इंतज़ार करते रहे कि कब वो औरत मिले। उस औरत उस सड़क से निकलने पर मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि ऐसा कुछ नहीं है, और कभी मेरे साथ तो ऐसा हालांकि कुछ हुआ नहीं। फिर भी आप लोग यदि इस रोड से निकले तो अच्छे से आप सोच लें, समझ लें, हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे मैं आपको शेयर कर सकूँ, ना कोई डर लगा ना कुछ। और भूत जैसी तो कोई बात नहीं लगी। हाँ, थोड़ा सुनसान है इस रोड पे और आजकल लाइटें भी लग गई हैं, तो शायद हो सकता है इस वजह से अब घटनाएं ना होती हों। पहले कभी सुनसान एरिया रहा होगा ये, और लोग कुछ असामाजिक तत्व हैं हमारे यहाँ, उसी बात का फ़ायदा उठा के कुछ घटनाएं कर देते होंगे। तो गाइस, आप अगर इस रोड पे आना चाहते हैं तो अपनी सोच और समझ से आएँ। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा गाइस, मैं देखिए पूरे रास्ते कैमरा ऑन करके चल रहा हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। सो गाइस, आप भी चलते रहिए, बढ़ते रहिए। आयुष आयुष चलेगा फोन। तो गाइस, आपकी निकलिए और थोड़ा कोशिश करिए, बढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा सोचते हैं लोग जो ये सब कुछ भी नहीं है, आराम से आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आपका दिल कमज़ोर है तो इस रास्ते ना निकले। हालांकि जब मैं निकला तो यहाँ से कई गाड़ियाँ आ जा रही थी और मुझे डर भी नहीं लगा। हाँ, शुरू में थोड़ा सन्नाटा दिखा था, जैसे कहीं कहीं पर बिल्कुल अंधेरा है, बट क्योंकि अब जैसे यहाँ बहुत अंधेरा लग रहा है, लेकिन कहीं थोड़ी थोड़ी दूर पर लाइट भी है, उस रास्ते में मुझे ऐसा कुछ डर नहीं लगा। और आप आगे निकलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा दोस्त, अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आप सेफ रास्ता अपनाएं और दूसरे रास्ते घूम के जा सकते हैं। मैं तो जैसे ही मूड हो गया और चलता रहा, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी लाइट नहीं, इस वजह से कुछ लोग डर जाते होंगे। अब कुछ आसमानिक तत्व यहाँ पर कभी नहीं आते जाते रहते होंगे, कांड कर देते होंगे जिससे उस महिला का नाम पड़ गया है। बताते हैं, यहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी किसी महिला के साथ और उसके बच्चे की जान जोखिम में थी, तो वो सबसे मदद मांगती थी, लेकिन हालांकि मुझे तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। और आप भी देख सकते हैं, मैंने लगातार आपको यहाँ पर देखने के लिए कैमरा ऑन करके रख रखा है कि ताकि आप लोग भी देख सकें, इस रोड की सच्चाइयों को जान सकें। ठीक है दोस्तों, आप देखिए, अगर आपको कुछ वीडियो में ऐसा दिख जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं दिखा है कि मैं आपसे वो बता सकूं, आगे पीछे या कुछ भी मुझे ऐसा नहीं दिखा, बाकी तो मैं नहीं बता सकता। देखिए, आपको दिखता है तो बताइए। ठीक है, लेकिन हाँ, मज़ा बहुत आया इस सफ़र में। ठंडी ठंडी हवा, ठंडा ठंडा मौसम, ऐसा लग रहा था कब घर जाएं और रजाई में घुसें। इसी इंतज़ार में हम आगे बढ़ते जा रहे थे और मज़ा लेते जा रहे थे। ठंडी हवा का मौसम ठंडा था, ऊपर बड़े ठंडे हो गए थे, आपका काफ़ी ठंडे हो गए थे, लेकिन फिर भी हम चले जा रहे थे। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ से, तो बस्ती चालू हो जाती है और
दोस्तों, अभी शिक्षा समाप्त।